नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी और वो खबर ये थी कि जो खेसारी लाल यादव की वीर हनुमान फिल्म बनने वाली है वो फिल्म अब नहीं बनेगी। और माना यह जा रहा था कि कॉन्ट्रोवर्सी हो गया है, विवाद हो गया है खेसारी लाल यादव रत्नाकर कुमार के बीच में, और उसी के चलते संघर्ष 2 को लेकर एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है और संघर्ष 2 का प्रमोशन नहीं हो रहा है। लेकिन इन सारी बातों का कोई अस्तित्व नहीं था और इसकी जानकारी मैंने आप सभी को दिया था। कल संघर्ष 2 को लेकर जिस तरीके से तमाम बातें हो गई, तो तमाम बातों को लेकर जब वीर हनुमान के लेकर सवाल पूछा गया तो रत्नाकर कुमार ने बखूबी खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया और खेसारी फैंस को ये कहीं ना कहीं बल्ले बल्ले कर देने वाला है। दरअसल बात करें तो वीर हनुमान क्यों होल्ड हुई, इसके पीछे का रीज़न जब पूछा गया तो रत्नाकर कुमार ने कहा कि देखिए, ये एक ऐसी फिल्म बनने वाली है जो VFX पे बनने वाली है, यानी कि VFX आपके बारे में पता होगा, एक नया 3D टाइप की चीज़ें कह सकते हैं, या फिर एक अलग अंदाज में उस चीज़ को शूट किया जाता है जो कि डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल होता है। तो VFX का काम जो है उसमें होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है और उस काम को करने के लिए एक काफ़ी रेपुटिव टेक्निकल टीम की रिक्वायरमेंट होती है जो कि साउथ के हैं, और वहाँ से 100 लोगों की टेक्निकल टीम जो है वो आनी थी। तो शायद वो किसी कारणवश व्यस्त हैं, बिजी हैं, जिसकी वजह से वो अभी नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए इस डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है, ऐसा जो है वो कहीं ना कहीं रत्नाकर कुमार का कहना है। और उनका कहना है कि सारी चीज़ें तैयार हो गई, स्क्रिप्टिंग एट ऑल जो भी सारी चीज़ें हैं वो तैयार हो चुकी है और बस एक और फिल्म जो कि कल्लू की थी उनको लेकर थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ था तो वो भी क्लियर हो गया, तो हम लोग और भी बेहतर तरीके से इस कहानी को करने वाले हैं। और मेनली जो वजह है वो VFX और टेक्निकल टीम को लेकर है, तो वह जैसे ही फ्री होते हैं फिर इस फिल्म की शुरुआत की जाएगी, क्योंकि ये फिल्म हाई बजट की फिल्म होने वाली है और पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अलग छाप छूने वाली है। तो एक वजह थी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ है कि डेट एक्सटेंड हो गई, मतलब फिल्म ही बंद हो गई है, ऐसा नहीं है। ये फिल्म बनेगी और रत्नाकर कुमार बनाएंगे बखूबी, और ये भी फिल्म सोशल मीडिया पर वायरल होगी और दर्शकों को सिनेमाघरों में काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो एक अपडेट था, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। बाकी वीर हनुमान फिल्म को लेकर आप कितना उत्सुक हैं बताइए। धन्यवाद।